आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन यहाँ अब्दुल्ला तो नहीं, जनपद मैनपुरी की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सरकारी पद पर तैनात महिला अधिकारी है। जहाँ एक ओर हमारे जनपद की सीमा से लगे जनपद फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार से 50 मौतों के बाद भी बीमारी के प्रकोप का सिलसिला लगातार जारी है, तो वही मैनपुरी की जिला समाज कल्याण अधिकारी ठुमके मारती हुई नजर आ रही है। लाल साड़ी में भांगड़ी पर डांस कर रही ये महिला के ठुमके तो आपने देख ही लिए होंगे, और जाहिर सी बात है कि ठुमके देखने के बाद आप ये जानना भी चाह रहे होंगे कि आखिर ये महिला कौन है। तो हम आपको बताते हैं, दरअसल ये महिला कोई आम महिला नहीं है, ये है मैनपुरी की जिला समाज कल्याण अधिकारी। नाम है इंद्रा सिंह, जो कि राज्य सरकार की सामूहिक विवाह योजना की मैनपुरी से संयोजक है, और लगता है कि प्रोग्राम को ज्यादा लाइमलाइट के चक्कर में अपने पद की गरमा खोते हुए धैर्य तोड़ बैठी और जमकर भांगड़ा करने लगी। इनके डांस की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। अब मामला क्या है और जिले की इतनी वरिष्ठ अधिकारी ठुमके भी ठुमका क्यों मारे जा रही है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल कल मैनपुरी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आई थी, जिसके तहत नुमाइश पंडाल में सामूहिक शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। शादी में सैकड़ों की संख्या की भीड़ थी और नगाड़े पर भांगड़ा बज रहा था। वही मौजूद थी जिला समाज कल्याण अधिकारी इंद्रा सिंह, जिन्हें ये भांगड़े की धुन इतनी पसंद आ गई कि वह खुद को रोक न सकी और करने लगी भांगड़े की धुन पर भांगड़ा। उसके बाद उनके यह वीडियो पूरी तरीके से वायरल होने लगे और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अब सवाल ये कि जिले की इतनी बड़ी अधिकारी अगर सरेआम ऐसे ठुमके लगाएगी तो जिस सरकारी संवैधानिक पद पर वह आसीन है उसकी गरिमा को बनाए रखने का काम कौन करेगा? क्या ऐसे ही समाज कल्याण अधिकारी इंद्रा सिंह करेंगी समाज का कल्याण? हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जिस समय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऑन ड्यूटी भांगड़ा कर रही थी तो उस समय मंच पर कौन कौन मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी।